हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई वेरिएंट, जो कि इसका सेकंड टॉप है। इसमें तीन वेरिएंट आते हैं, मिड, हाई और प्रीमियम। तो इस वीडियो में इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करेंगे कि 2021 में इसकी कितनी ऑन रोड प्राइस है, कितना डाउन पेमेंट है और इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, तो सारे फीचर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो सबसे पहले अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसकी जो 2021 में ऑन रोड प्राइस पड़ेगी 10,50,000 रुपये। वेरी करता है आप किस सिटी से हैं, उस हिसाब से आपको थोड़ी ऊपर नीचे प्राइस मिल सकती है। अगर इसमें डाउन पेमेंट की बात करें तो आप 2 लाख से 3 लाख के बीच में इसमें डाउन पेमेंट जमा कर सकते हैं, उसके बाद फाइनेंस करवा सकते हैं गाड़ी को और ख़रीद सकते हैं। और अगर डिजाइन की बात करें तो आपको थोड़ी विटारा ब्रेजा जैसी लगेगी, और आगे से थोड़ी आपको फॉर्च्यूनर जैसा लुक भी लगता है। बाकी गाड़ी देखने में काफ़ी बेहतरीन लगती है। अगर आप विटारा ब्रेजा लेने की सोच रहे हैं तो एक बार इसकी तरफ ज़रूर देखें, और काफ़ी अच्छे फीचर्स ही मिल जाते हैं, और एक बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। यहाँ पर आपको टोयोटा का लोगो मिलता है फ्रंट में, पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ ग्रिल मिलती है, और नीचे वाली यहाँ पर ये पट्टी देख रहे हैं आप, ये आपको क्रोम फिनिशिंग में मिलती है। और बात करें अगर और नीचे की, तो आपको सिल्वर फिनिशिंग के साथ यहाँ पर स्किट प्लेट मिल जाती है, वो एयर इनटेक के लिए दिया गया है। और इस वेरिएंट में आपको फॉग लैंप नहीं मिलेंगे, प्लेसमेंट मिल जाएगी, और इस पर क्रोम फिनिशिंग दी गई है। इसमें आपको डुअल चैम्बर एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं, डुअल फंक्शन इसमें आपको एलईडी डीआरएल भी मिल जाते हैं जो इंडिकेटर का काम करेंगे। यहाँ पर सिल्वर फिनिशिंग दी जाती है। फ्रंट से देखने पर गाड़ी में कोई भी कमी नहीं है, बेहतरीन गाड़ी लग रही है देखने पर। इसमें सिर्फ फॉग लैंप नहीं है, तो आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं, या आप शोरूम से भी आप लगवा सकते हैं, दो वाइपर मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको बॉडी कलर में ORVM मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल हैं। यहाँ पर आपको इंडिकेटर भी दिया गया है। अगर टायर की बात करते हैं तो इसमें फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर में ड्रम, एलॉय व्हील भी मिल जाएंगे इसमें, ब्लैक एलॉय व्हील मिलते हैं। और इनकी साइज की बात करें तो इसमें अपोलो के टायर दिए गए हैं, और साइज मिलती है R16 यानी 16 इंच के इसमें टायर दिए गए हैं। इसमें आपको बॉडी कलर में डोर हैंडल मिलते हैं, बाकी इसमें स्मार्ट एंट्री बटन दिया जाता है, अगर पास में की होगी तो ओपन कर सकते हैं। बाकी इस साइड मिलता है इसका फ्यूल लिड, इसमें आपको 48 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। बाकी अगर रियर टायर की बात करें तो इसमें आपको ड्रम ब्रेक मिलेंगे। बाकी अगर इसके इंजन की बात करें तो इसमें आपको 1462cc BS6 पेट्रोल इंजन मिलता है, जो पावर प्रोड्यूस करता है 104.72 PS की 6000 RPM पर, और टॉर्क जनरेट करता है 138 Nm का 4400 RPM पर। 4 सिलेंडर इसका इंजन मिलता है। और इसमें अगर माइलेज की बात करें तो कंपनी इसका माइलेज क्लेम करती है 17 का। अब अगर इसके डायमेंशन की अगर बात करते हैं तो लेंथ मिल जाती है 3995 mm, और विथ मिलती है 1790 mm, हाइट मिलती है 1640 mm, और व्हील बेस मिल जाता है 2500 mm, और इसमें जो टर्निंग रेडियस मिलता है 5.2 मीटर का। तो यह गाड़ी का रियर लुक, रियर में आपको अर्बन क्रूजर की ब्रांडिंग मिल जाएगी, टोयोटा का लोगो, ऊपर आपको वाइपर मिल जाएगा, डीफॉगर भी इसमें मिल जाएगा, स्टॉप लैंप, स्पॉइलर भी दिया गया है। इसमें आपको रूफ रेल मिलते हैं फिक्स वाले। तो इसके रियर से भी अगर बात करें तो थोड़ा आपको विटारा ब्रेजा जैसा लगेगा। इसमें आपको LED टेल लैंप मिलते हैं, तो इनका लुक भी काफ़ी अच्छा है। बाकी इसमें आपको 4 सेंसर मिल जाते हैं, 2 रिफ्लेक्टर, नीचे आपको सिल्वर फिनिशिंग के साथ स्किट प्लेट दी गई है जो आपको फ्रंट में मिलती है। बाकी चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। बाकी अगर इसके डोर की बात करें तो इसमें आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाएंगे, स्पीकर दिया गया है। बाकी आपको यहाँ पर क्रोम फिनिशिंग के साथ ये हैंडल दिया गया है। बाकी यहाँ पर ये कपड़ा मिल जाएगा आर्म रेस्ट, इस पर कोई भी कपड़ा नहीं दिया गया है। बाकी नीचे कुछ स्पेस, बोतल होल्डर और स्पीकर, यहाँ पर मिलती है आपको ट्विटर की प्लेसमेंट। बाकी कुछ ऐसा इसका इंटीरियर जो काफ़ी बेहतरीन, हेड रेस्ट के साथ यहाँ पर सीट मिल जाती हैं। बाकी इसमें हर फीचर्स मिल जाते हैं टॉप मॉडल के। सीट की आप हाइट भी बढ़ा सकते हैं, तो दोनों आपको ऑप्शन मिलते हैं, हाइट एडजस्टेबल का और रिक्लाइन का भी। उसके नीचे आपको फ्यूल लिड ओपन करने के लिए
मिलता है। बाकी यह है इसकी पावर स्टीयरिंग, जिस पर आपको टोयोटा का लोगो क्रोम फिनिशिंग के साथ, इस साइड आपको वॉल्यूम के कंट्रोल मिल जाते हैं, एक एयरबैग और हॉर्न, इस साइड आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। बाकी इस पर भी आपको क्रोम फिनिशिंग मिलती है, यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर मिलते हैं आपको ब्लूटूथ फोन के कंट्रोल, बाकी ये वाइपर के कंट्रोल दिए गए हैं। इस साइड आपको लाइट के कंट्रोल मिलते हैं। यह है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि आपको बीच में छोटी सी MID मिल जाएगी और इनसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दो आपको ऐसे डंडी मिल जाएंगी, इससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी इसमें गाड़ी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो बात करते हैं इसके साइड में, साइड मिलता है आपको AC वेंट्स, जिस पर आपको ब्लैक फिनिशिंग दी गई है। उसके नीचे अगर बात करें तो इसमें आपको इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन मिल जाता है। और अगर उसके साइड में बात करें तो इसमें आप आउटसाइड मिरर यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके साइड में लाइट लेवलिंग का कंट्रोल दिया गया है और उसके नीचे आपको कुछ स्पेस मिल जाती है। तो बात करते हैं इस साइड की, तो यहाँ पर आपको दो AC वेंट्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको मिलती है क्रोम फिनिशिंग, हजार लाइट का कंट्रोल दिया गया है और यह है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि स्मार्ट प्ले टच स्क्रीन है। तो इसमें आपको ब्लूटूथ, ऑक्स, USB, एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, स्मार्टफोन कनेक्ट, नेविगेशन, सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है, आप उसको लगवा सकते हैं एक्सेसरीज में। यहाँ पर मिलती है आपको ब्लैक फिनिशिंग, उसके नीचे आपको ऑटो AC मिल जाती है इसमें। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इस पर भी आपको क्रोम फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, क्रोम की लाइन दी गई है। और उसके नीचे आपको ऑक्स, USB और चार्जिंग सॉकेट मिलता है 12 वोल्ट का। इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, जो थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस पर आपको क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है और उसके आगे कुछ आपको मिलती है स्पेस, यहाँ पर स्पेस मिल जाएगी, मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। बाकी अगर यहाँ से पैटर्न की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक मिलता है, इसमें आर्म रेस्ट नहीं दिया गया है। बाकी यहाँ पर दो कप होल्डर मिल जाते हैं, ये इसका क्रोम नॉब के साथ हैंड ब्रेक, यहाँ पर भी कुछ स्पेस मिल जाती है। और इसमें आपको प्रीमियम डार्क ब्राउन फैब्रिक सीट मिलती हैं, जो काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगी, अच्छा सपोर्ट मिल जाता है आपको। बाकी हेडरेस्ट इसमें मिल जाते हैं, पीछे की सीट पर आपको हेडरेस्ट मिलते हैं। बाकी इसमें आपको अपर ग्लव बॉक्स भी मिलता है, जो ऐसे ओपन होता है। बाकी अगर नीचे के ग्लव बॉक्स की बात करें तो ये भी काफ़ी बड़ा मिलता है और एक लाइट भी मिल जाती है। तो दो आपको ग्लव बॉक्स मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको मिलती है सिल्वर फिनिशिंग। इस साइड भी आपको एक AC वेंट्स, एक एयरबैग मिल जाएगा, ऐसा कुछ इसका लगता है डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड काफ़ी देखने पर अच्छा लगता है इसका, बाकी अंदर से लुक काफ़ी अच्छा है गाड़ी का। सनवाइजर पर पैसेंजर साइड आपको मिरर मिल जाएगा और यहाँ पर मिलती हैं आपको केबिन लैंप, कुछ ऐसी ऑन होती हैं, एलो लाइट है, ग्लास होल्डर। इस साइड आपको मिरर नहीं मिलता है, टिकट होल्डर मिल जाएगा। बाकी ये IRVM है। और अगर इसमें की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से दो की मिलती हैं आपको। अगर इसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में बात करें तो क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, तो डुअल एयरबैग मिल जाती हैं आपको ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड, ABS विथ EVD मिलती है, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक मिलते हैं इसमें आपको, एंटी पिंच ड्राइवर साइड पावर विंडो मिलती है, रियर डिफॉगर मिलता है इसमें, रियर वाइपर एंड वॉशर मिल जाता है इसमें आपको, 4 आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं इसमें आपको, 5 डोर सेंटर लॉकिंग सिस्टम मिलता है इसमें आपको, इमोबिलाइजर, एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी अलार्म, ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाई स्पीड वार्निंग वजर, चिल्ड प्रूफ रियर डोर लॉक। तो अब चलते हैं इसके रियर सीट पर, कितना स्पेस मिलता है रियर सीट पर और रियर डोर पर भी आपको क्या कंट्रोल देखने को मिलते हैं। तो यह इसका रियर डोर, एक पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाएगा आपको और यहाँ पर आपको 1 लीटर बोतल होल्डर मिल जाएगा। बाकी स्पीकर यहाँ पर मिलती है सिल्वर फिनिशिंग,
आर्मरेस्ट क्रोम के साथ यहाँ पर हैंडल दिया गया है। बाकी ये अंदर कर लो जो काफ़ी अच्छा है, तो आप अच्छे से व्यू ले सकते हैं अंदर का। बाकी इसमें आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है रियर पर, फ्रंट में आप इंस्टॉल करवा सकते हैं, फ्रंट में नहीं मिलता है। बाकी इसमें दो कप होल्डर भी मिलते हैं, दो कप होल्डर मिल जाते हैं। बाकी गाड़ी में कंफर्ट बहुत है, तो आप आराम से बैठ सकते हैं इस गाड़ी में। बाकी यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है, बाकी आपको पीछे की सीटों पर हेडरेस्ट मिल जाते हैं, ग्रैब हैंडल दिए गए हैं, बाकी कुछ ऐसी इसकी सीट, तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ भी चार्जिंग सॉकेट या एसी वेंट्स नहीं मिलते हैं। बाकी स्पेस आप देख ही सकते हैं, स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाएगा इसमें। और इसमें रियर में भी एक आपको केबल लैंप मिलती है, यहाँ पर दी गई है। बाकी अगर रियर से देखें तो ऐसा दिखता है इसका डैशबोर्ड, जो काफ़ी प्रीमियम लग रहा है देखने पर। बाकी इसमें आप रिवर्स पार्किंग कैमरा इंस्टॉल करवा सकते हैं और आगे की फॉग लैंप, बाकी आपको सब कुछ मिल जाता है इस गाड़ी में। और इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग विथ टिल्ट फंक्शन के साथ मिलती है। तो अब चलते हैं इसका बूट दिखाते हैं कितना स्पेस मिलता है इसके बूट में। तो ये इसका बूट, बूट में भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। तो यहाँ पर ये हुक दिया गया है, इस साइड आपको लाइट और चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। तो इसमें आपको 328 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। ये रखा है इसका स्पेयर व्हील, टूल किट वगैरह रखी हुई है, R16 का दिया गया है। तो गाड़ी में स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिलता है। यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है। तो जो प्राइस है जो मैंने बता ही दिया था, 10,50,000 रुपये, और डाउन पेमेंट आप 2 लाख से 3 लाख के बीच में जमा कर सकते हैं। बाकी गाड़ी में आपको हर फीचर्स मिल जाते हैं, रियर डिफॉगर, रियर वाइपर एंड वॉशर। फ्रंट में आपको फॉग लैंप नहीं मिलते हैं, तो आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। और बाकी आप रियर पार्किंग कैमरा लगवा सकते हैं। दो ही फीचर्स हैं जो नहीं मिलते हैं, बाकी आपको हर एक फीचर्स मिल जाता है इस गाड़ी में। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय।